So, मैंने एक वीडियो बनाई डार्क वेब की, उसके बाद मैंने पूरी सीरीज बना दी। यहां पर मैंने पूरी डिटेल में बताया आपको कि डार्क वेब पर क्या क्या चल रहा है। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। उस वीडियो पे ऑलरेडी 1 लाख व्यू हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे उन वीडियोज से मिला। यहाँ पर कुछ सवाल और हैं डार्क वेब से रिलेटेड जो मैं अब इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाला हूँ। इतनी फ्रिक्वेंटली तो नहीं डालूंगा, लेकिन सारे डाउट इन सब चीज़ों के बारे में क्लियर करने वाला हूँ। आज का हमारा सवाल है कि डार्क वेब शुरू कैसे हुआ, डीप वेब शुरू कैसे हुआ, और एक बार डीप वेब पर डार्क वेब पर जाने के बाद वापस आना नामुमकिन क्यों है, मुश्किल क्यों है। आप सुनते होंगे अलग अलग वीडियोज में लोग बताते हैं कि अगर आप एक बार डार्क वेब पर चले गए फिर वापस आना बहुत मुश्किल है। क्या होता है ऐसा? क्या वहां लोग ब्लैकमेल करके रख लेते हैं, पकड़ लेते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्यों ऐसा बोला जाता है, उसको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहली बात करते हैं कि डार्क वेब कैसे शुरू हुआ। देखिए, डार्क वेब और डीप वेब तभी शुरू हुआ जब नॉर्मल इंटरनेट शुरू हुआ। 70 के दशक में आप कह सकते हैं जब आर्पानेट आया, उसके बाद जो आर्पानेट जो भी बोलते हो, और आर्पाइनेट लोग अलग अलग चीज बोलते हैं उसको, खैर कुछ भी बोल सकते हो आप। तो जब शुरुआत हुई इंटरनेट की तभी डीप वेब आया। और आप मानेंगे नहीं कि पुराने वक्त में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस नेट का इस्तेमाल करते थे ड्रग्स इधर उधर करने के लिए, कैनबिस या इस तरह की जो इलीगल चीज़ें हैं उसको एक स्टूडेंट दूसरी यूनिवर्सिटी में भेजने के लिए, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में भेजने के लिए इस्तेमाल में लाया करता था। क्योंकि वो स्टूडेंट थे जिनको इंटरनेट की पढ़ाई पढ़नी थी, जिन्हें पता था कि ये चीज़ें काम कैसी करती हैं। ये वो वक्त नहीं था जब बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पता है कि डार्क वेब क्या है, जो भी उसके थ्रू वो अपना जो भी चीज़ें कर रहे हैं। ये तो बहुत बाद में सिल्क रूट नाम की एक वेबसाइट आई जहां पर लिटरली कुछ भी बेचा और खरीदा जा सकता था, और बाद में वो बंद कर दी अमेरिकी सरकार ने, और सीक्रेट एजेंसीज जो हैं उन्होंने बंद करा दी वो वेबसाइट। सिल्क रूट के बारे में आप जानते होंगे, वो बंद हो गई, उसकी पूरी मैंने स्टोरी आपको बता रखी है। तो यहां पर जब इंटरनेट शुरू हो रहा था तभी ये डीप वेब भी शुरू हो रहा। आगे चलकर जैसे इंटरनेट में वर्ल्ड वाइल्ड वेब आया, जब 90 का दशक आया, 1990s में जब वेब आया, वर्ल्ड वाइल्ड वेब, टिम बर्नर्स ली ने इंटरनेट के ऊपर एक और चीज बना दी, www, जब वेबसाइट वगैरह देख सकते हो। तो यहां पर आगे चलकर जो US का डिफेंस डिपार्टमेंट है उसने टॉर का आविष्कार किया। अगर आप देखेंगे द अनियन रूटर, जो टॉर ब्राउजर है जो डीप वेब डार्क वेब सर्फ करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, उसकी फंडिंग अमेरिकी सरकार भी करती है। इस ब्राउजर या इस सिस्टम को US मिलिट्री या जितनी भी इंटेलिजेंस है अमेरिका की, वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए बनाया गया था, ताकि वो अपनी सीक्रेट बातें कर सके और कोई दूसरा देश या कोई भी और एक्सटर्नल कोई भी लोग हैं जो उस पर इंटरफेयर ना कर सकें, ये इस चीज के लिए बना था। बाद में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया ताकि आम लोग भी ऐसे इंटरनेट सर्व कर सके कि कोई तीसरी पार्टी उन पर ना देख सके कि वो क्या सर्व कर रहे हैं। ये अमेरिकी सरकार ने उसके फौज के लिए बनाया था, ये जो टॉर बना था, उसके बाद ये नॉर्मल लोग इस्तेमाल करने लगे। जब टॉर आया तो उसके बाद ये चीजें घर घर तक पहुंच गई, और तब लोगों को जो डीप वेब, जो इंडेक्स नहीं है, जो अनियन साइट्स होती हैं जो सिर्फ टॉर ब्राउजर से आप सर्व कर सकते हैं, उसका और ज्यादा वो बढ़ गई। फिर लोगों ने, अब देखो, अब ऐसी चीज लोगों को मिल जाए कि कोई तीसरा नहीं देख सकता, ट्रेस नहीं कर सकता आप क्या सर्व कर रहे हो, लेयर्स बन जाती है आईपी की, तो लोगों ने फिर इसे इलीगल तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जबकि टॉर का उद्देश्य ये था कि हम इंटरनेट सर्फ करें और कोई हम पर नजर ना रखे, सेंसरशिप से बचने के लिए ये चीज थी। तो ये तो मैंने बता दिया कैसे शुरुआत हुई। इसकी पूरी बड़ी स्टोरी है, बहुत लंबी स्टोरी है, आपको मतलब साल दर साल, साढ़े दस साल जो भी चीजें बनी, आप नेट जो भी आप बोलते हो, उसके बाद फिर कैसे फ्री नेट आया, देन उसके बाद उसमें इस्तेमाल करने लगे, नींव रखती गई थी डीप वेब डार्क वेब की, तो उसके बाद जैसे जैसे फिर टॉर आया, देन उसके बाद 2010 का वक्त आया। अब ये वो वक्त था 2010 के आसपास, पहले 90 का आया, फिर 2000 का आया। 90 का आया जब इंटरनेट बनने लगा, जब वेब बनने लगा, सॉरी वेब बनने लगा, वेब अलग चीज़ है, वेब बनने लगा, फिर ये चीज़ें आने लगी, टॉर वगैरह आने लगे। फिर 2000 का वक्त आया जब सब तक पहुंच गया। उसके बाद 2010 का वक्त आया जब बिटकॉइन इंट्रोड्यूस कराया गया, जब बिटकॉइन के बारे में ज़्यादा लोगों को पता लगने लगा, तो एक फुल फ्लेज्ड मार्केट जो होती है वो बनने लगी, जैसे सिल्क रूट वगैरह ये सारी चीजें, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया जैसे कि मैंने आपको कहा। अब वक्त आ चुका है ऐसा कि मतलब ये इतनी ज्यादा चीजें बढ़ चुकी हैं, बहुत भयंकर तरीके से बढ़ चुकी हैं, और इतनी सीक्रेट हो चुकी हैं ये कि अब जब तक आपके पास लिंक नहीं है आप पहुंच नहीं सकते। तो ये ऐसे क्यों कहा जाता है कि एक बार पहुंच गए तो निकल नहीं सकते, इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको पूरे बता दिया स्टेप बाय स्टेप कैसे आया
डी वो ये इंटरनेट के साथ ही आया, वेब के साथ ही आया, धीरे धीरे पनप रहा था ये भी इंटरनेट।